नमस्कार दर्शक मित्रों, बीएन न्यूज गुजराती में आपनो हार्दिक स्वागत छे। समाचारोनी शुरुआत करीशु आजना मुख्य समाचार थी। रापर तेमज हाथरस खाते बनेली घटनाना विरोधमां करजन खाते मूड निवासी एकता मंच द्वारा विरोध प्रदर्शन योजायुं हतुं अने आवेदन पत्र आप्युं। कच्छ जिल्लाना रापरना समाजना अभिन्न अंग गणाता तथा न्याय प्रणालिकानुं अहम अंग एटले धारासास्त्रीनी जाहेरमां घातकी हत्या भागरूपे ठेर ठेर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमो योजाई रह्या छे। तेमज उत्तर प्रदेशना हाथरस खाते बनेली दुष्कर्मनी जघन्य घटनामां पण समग्र देशमां घेरा प्रत्याघातो पड्या छे, जे अंतर्गत शनिवारना रोज मूड निवासी एकता मंच तथा बिलिस्तान टाइगर सेना द्वारा बाबा साहेब आंबेडकरने फूलहार विधि करीने करजन खाते विरोध प्रदर्शननो कार्यक्रम યોજ્યો હતો અને મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિને આવેદન પત્ર પાઠવ્યું હતું તથા આરોપીઓના ફોટા સળગાવી નાખ અનોખું વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। विरोध प्रदर्शन ना कार्यक्रम में योगी विरोधीय सरकार नहीं चलेगी, मोदी विरोधीय सरकार नहीं चलेगी, बलात्कारियों ने फांसी आपो, मनीषा ने न्याय आपो जेवा गगनभेदी सूत्रोच्चार करी वातावरण गजवी मूक्यू हतुं। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम स्थले पोलिसनो चुस्त बंदोबस्त गोठवी देवायो हतो। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में मूड निवासी एकता मंचना अध्यक्ष एडवोकेट मिनेश परमार, नरेशभाई, जिग्नेशभाई तथा बीटीएसना आगेवानो कृष्णकांत, घनश्यामभाई सहित मोटी संख्या में कार्यकरो उपस्थित रह्या हता। हनीफ पताला, करजन, बीएन न्यूज गुजराती। अपरमा देवजीभाई महेश्वरीनी जे घातकी हत्या थई तथा उत्तर प्रदेश हाथरसमां मनीषाबेन वाल्मीकिनी जे प्रमाणे बलात्कार करी अने हत्या करवामां आवी अने त्यार पछी तेनी लाशने तेना सगा संबंधीनो सोंपवाने बदले पोलीस प्रशासन द्वारा एने अगम्य स्थळे लई जईने एने सळगावी देवामां आवी, ते बनावने मूळ निवासी एकता मंच तथा करजन तालुका कोंग्रेस सखत शब्दोमां वखोड़ी काढे छे। अने सरकार जो आवा बनावोने वारंवार रोकवानी कोशिश नहीं करे तो हवे युवाओं हथियार हाथ में लेवा पड़ से, यी आगामी समय में परिस्थिति उभी थाय तेवी आ सरकार की नीति है। तो अभी मनुवादी नीति ने नाथवा खूब जरूर है अने जाहिर जनता ने मारी एक अपील है कि अत्यारे आवा बनावों सामे तमे सामू नहीं आता अने तेनो विरोध नहीं करता, एनु सखत परिणाम तमारा बाळकोने भोगवू पड़से, ते ध्यान राखजो। हालनी अंदर कच्छ जिल्लाना रापर गामे कायदाना रक्षक तथा समाजना अभिन्न अंग गणाता तथा लोकशाहीना चौथा स्तंभ गणाता एक वकील मित्रनी सरियाम खुल्लेमां हत्या करी देवामां आवी छे, परंतु पोलीस प्रशासन तथा तानू वहीवटी प्रशासन आ बाबते तद्दन निष्क्रियता दाखवी छे। तेवी ज रीते यूपीनी अंदर एक 19 वर्षनी मासूम दीकरी साथे गैंगरेप करवामां आवे छे, त्यांना असामाजिक नराधम माणसों द्वारा ये बाळकीनी जीभ कापी नाखवामां आवे छे, एना शरीर पर गंभीर नुकसान पहोंचाड़वामां आवे छे, परंतु तानू तंत्र तथा तानी सरकार के जी आ दीकरी बाबते ये करवू जोईए तेनी जग्याए दीकरीने अगम्य जग्याए लई जाय छे, एना माता पिताने जाण करता नथी अने एने लाशने सळगावी देवामां आवे छे। बीजी वस्तु के आ भारतीय जनता पार्टीना शासननी अंदर बंधारणनी सरियाम धज्जा उड़ाई रह्या छे, लोकशाहीनुं खून थई रह्युं छे, अने ज्यारे दीकरीना पीड़ित परिवारने एक वकील मळवा जाय छे परंतु वकीलने मळवा देता नथी, कोई नेता जाए तो नेता ने मरवा देता नहीं, तो भाजपा शासन की अंदर फक्त तमारी सत्ता तमारे जे चाहे करवानो सामान्य प्रजा शू थे। दिन प्रतिदिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति साथ आवा गुजारी घटना दर्दनाक घटना बनी रही है, आवा अत्याचार थाय छे, परंतु आ बेहरी ने मूंगी सरकार आज प्रजा ने न्याय अपावानी जगह एक बीजा पर दोषनो टोपलो ढोळवा मांगे छे, ये कदापि चली लेवा नहीं आवे। आज रोज प्रांत अधिकारीश्रीना मार्फतथी महामहिम राष्ट्रपति ने आवेदन पत्र पाठवामां आवे छे अने मारी मांगणी छे कि आ जे बन्यो घटना छे गुजरातनी यूपीनी एमां ताकीदे आरोपीने कड़कमां कड़क सजा थाय, पीड़ित परिवारने सरकार तरफथी सहाय मळे एवी अमारी मांगणी छे। मूळ निवासी एकता मंच तरफथी आवेदन पत्र पाठवामां आव्युं। जय भीम। आज रोज अमे जे उत्तर प्रदेशनी अंदर हाथरस गामनी अंदर 19 वर्षनी युवती पर गैंगरेप थयो અને ત્યારબાદ તેની જીભ કાપી નાખી, કરોડરજ્જુ તોડી નાખી અને એને સારવાર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી અને દાખલ કર્યા પછી ત્યાં એનું હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મરણ થયું અને ત્યાર પછી મરણ થયા પછી પણ એની બોડીને એના માતા પિતાને સોંપી નહીં અને રાતોરાત યુપી સરકારે ત્યાં એને સળગાવી દીધી, એટલે આ છોકરીને ન્યાય મેળવવા માટે અમે લોકો કોંગ્રેસ કાર્યકર ભીમસેના અને દલિત સમાજ અને તમામ સભ્યોએ
आज रोज प्रांत ऑफिसर ने आवेदन पत्र आपी अने आपणी सौनी लाड़कवाई दीकरी मनीषा वाल्मीकि ने न्याय मळे एना माटे अमे आज रोज सौ भेगा थई अने आवेदन पत्र आप्या छे अने आ दीकरीने संपूर्ण न्याय मळे एवी अमारी सौनी लागणी अने मागणी छे।